देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुला करके उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप पिछड़े दलित वंचित की लड़ाई लड़ते हो और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबसे निचले पायदान पे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को खड़ा किया है तो आप उनका समर्थन करिए। तो हमने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आइए जो है वो आ रहे हैं उनसे मिलिए। तो मैं चला गया मिलने, जो 8 तारीख को भोज था उसमें गया मिला और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उसके बाद जो है मैंने कहा कि ठीक है, फिर उसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया कि आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं, तो मैं आप आइए हमारे यहाँ। तो मैं चला गया उनसे मिला, मिल करके सारी बात हुई। बात होने के बाद फिर हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता को जरूरत नहीं हम लोगों की है, ऐसा हमने महसूस किया। जब प्रेस वार्ता करते हैं तो जयंत चौधरी को बुला लेते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को न बुलाना। राज्यसभा का चुनाव आया तब राज्यसभा जयंत चौधरी के दे देना, और उसके बाद MLC का चुनाव आया तो हम लोगों को ना पूछना। ये तो एक तरह से इग्नोर करने की बात ही हो रही है उनके यहाँ से। अब देखिए, अब हम लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग द्रौपदी मुर्मू का समर्थन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अपील पर और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सिर्फ वोट की बात हुई, सिर्फ सिर्फ वोट को लेकर के बात हुई। मैं फॉर्च्यूनर से नहीं चलता हूँ, मैं इनोवा से चलता हूँ। मेरे पास 2 इनोवा है और मेरे पास कोई फॉर्च्यूनर नहीं, मैं कभी फॉर्च्यूनर से चला हूँ। देश में पहला मौका बनने जा रहा है जब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, और आज उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल ओम प्रकाश राजभर जी ने आज द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करके ये स्थापित कर दिया है कि उनके मन में वंचित समाज के, शोषित समाज के और आदिवासी समाज के लिए उनके मन में पीड़ा है, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने समर्थन करने का काम किया है। हम उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो विपक्षी दल अभी भी द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ खड़े हैं वो भी अपना मन बदल करके उनके समर्थन में आएंगे और निर्विरोध एक राष्ट्रपति का चुनाव हो सके, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।